सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें तो मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज हम इंस्टेंट पूरन पोली की रेसिपी बनाने वाले हैं जो तुरंत बनके तैयार हो जाती है। और पूरन पोली जो है वो एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे हम त्योहारों में बना करके खा सकते हैं और जब मन चाहे तब इसे बना करके खाया जा सकता है। तो चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं पूरन पोली। सबसे पहले पूरन के इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप अरहर दाल ली है जिसे हम तुअर दाल भी कहते हैं। इस दाल को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसे प्रेशर कुकर में 3 मिनट लगा के बॉईल कर लिया है। और इसका पानी का जो रेशियो है, आपने 1 कप अगर दाल ली है तो 3/4 कप आपको पानी लेना है, तो दाल अच्छे से गल भी जाएगी और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 1/2 कप चीनी ली है, 2 चम्मच घी, 1/2 चम्मच जायफल पाउडर, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। आइए हम इसका पूरन तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने दाल ले ली है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। इसमें हम डाल देंगे चीनी 1/2 कप। चीनी अच्छे से पिघलना शुरू हो गई है, हम इसी तरह से चला चला के पूरन को और पकाना है। अब हम इसमें पहले 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी से क्या होगा, पूरन बहुत ही अच्छा तैयार होगा और एक शाइनिंग आएगी पूरन में हमारे। मिला लेंगे इसे। पांच मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं पूरन जो है वो थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हम इसमें जायफल पाउडर मिला देंगे, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, ठीक है, जो 1 चम्मच घी था वो भी साथ साथ डाल देंगे। फिर से चलाते रहे। पूरन जो है वो तैयार होने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं कि 8 मिनट हो गए हैं, पूरन जो है उसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। 2 से 3 मिनट में अभी तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि टोटल मैंने 10 मिनट पूरन को पकाया है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप चम्मच ले लो तो पूरन गिरना नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि पूरन जो है वो बनकर तैयार है। आइए हम इसकी पोली बनाने के लिए इसका आटा गूंद लेते हैं। पोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जो हम चपाती बनाते हैं वही नॉर्मल आटा यूज करना है इसमें। इसमें हम मोइन के लिए 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसका एक नॉर्मल जो हम सॉफ्ट आटा तैयार करते हैं चपाती के लिए वैसा आटा हम गूंद लेंगे। आटा जो है वो अच्छे से भून के तैयार हो गया है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। आटे से मैंने एक लोई ले ली है, इसे अब हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसकी एक छोटी सी रोटी बना लेंगे। पूरन से मैंने लड्डू तैयार कर लिए हैं ताकि हमें फिलिंग करने में आसानी हो। अभी रोटी के अंदर हम एक लड्डू डाल देंगे और इसे हम पैक करेंगे। फिर से हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे इसे थोड़ा सा। और इसे हम हल्के आटे से बेल लेंगे। रोटी है जो वो बेलकर तैयार है, अब इसे सेक लेते हैं। तवा जो है वो गर्म हो गया है, पूरन पोली डाल देते हैं, इसे टर्न कर लेंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेक लेंगे। पूरन पोली जो है वो अच्छे से सेक गई है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे इस तरह से और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं।